हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे ही मेरा जो वैक्यूम क्लीनर है उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा मैं अगर उसका रिव्यू शेयर करूँगी तो इतना अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, जिनसे हमने वो वैक्यूम क्लीनर लिया है उनको हमने घर पे बुलाया है, और इसी वजह से मैं अभी उनके ही मुंह से इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। वही आपको बताएंगे कौन सा अटैचर किसको लगता है, क्या यूज़ है उसका, सारा कुछ उसके बारे में आपको वही बताएंगे जिनसे हमने लिया है, और सारा डेमो एंड ऑल जो भी उसके बारे में है तो वो सारा कुछ वही बताएंगे आपको। तो चलिए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ और सारा कुछ जो डेमो एंड रिव्यू है उसका वो आपको दिखा देती हूँ, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। W2H2 ये मॉडल है, यूरोक्लीन ब्रांड है। W2H2 ये मॉडल नेम है, एंड इसके पहले एक ब्लू कलर में आता था W2 प्लेन, वो बंद हो गया। ये वेट एंड टाइम में दूसरा मॉडल करके इसको W2H2 ऐसा नाम दिया है। ये सक्शन है, ये ब्लोअर है। सक्शन सेट से जो भी खींचना है, कार के अंदर का डस्ट है, सीट्स में का डस्ट है, सीलिंग है, घर के जाली निकलना है, फ्लोर क्लीन करना है, सोफे का डस्ट है, गद्दे का डस्ट है, ब्लैंकेट का डस्ट है, कर्टन है, वो सब सक्शन से कर सकते हैं। ये है ब्लोअर जो फिर अपन कलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे बाहर के डस्ट बाहर उड़ाना है, ग्रिल धोना है, धोने के बाद सुखाना है, कभी कभी अपने यहाँ का बेसिंग चोकअप होता है वो क्लीन करना है, कभी कलर स्प्रे पेंट करना है, गाड़ी को धोने के बाद सुखाना है, वो सब ब्लोअर से कर सकते हैं। हेयर ड्राई सेक मचेज वगैरह सब जो भी खींचना है सक्शन, यानी खींचने का काम करेगा, ये उड़ाने का स्प्रे पेंटिंग का काम करेगा। इसको स्पेशल ऑन ऑफ है, वेरिएबल स्पीड है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन यूज कर सकते हैं, जैसे लो मीडियम हाई। लो पे अपन इलेक्ट्रॉनिक चीज टीवी फ्रिज म्यूजिक सिस्टम वगैरह क्लीन कर सकते हैं, मीडियम पे सोफा गद्दा कार की क्लीनिंग वगैरह निकलना है, चिपकली पकड़ना है, बेसिंग चोकअप का काम है, गाड़ी को धोना है, वो टाइम पे हाई पे यूज करना है। मैक्सिमम क्लीनिंग लोअर मीडियम पे करना है, हाई पे करने की जरूरत नहीं है। इसको स्मार्ट एलईडी भी है, मशीन कौन से पावर पे वर्क कर रहा है वो भी अपन को मालूम पड़ेगा एलईडी पे। इसको यहाँ पे 17 फीट केबल है, जितना बाहर चाहिए उतना अपन इसको खींच सकते। इसको खींचने के बाद ऐसे लपेटने की जरूरत नहीं है, पावर डिवाइडर है, बटन पुश कर दो, केबल अंदर चला जाएगा, उसमें लाइट से फेंक रहेगा, जोर का काटने का डर नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। इसको एक ट्रॉली अटैच है, ट्रॉली के ऊपर अपन मशीन ऐसी कैरी कर सकते हैं, बकेट पानी से भी अगर फुल भर गए ना इस प्रकार अपन इसको कैरी कर सकते हैं, उठाने की जरूरत नहीं। इसका 6 kg वेट है, ज्यादा वेट भी नहीं है, और इसको अगर ओपन करना है तो ये क्लिप है इस प्रकार, ये ओपन हो जाती है, इसका ये पार्ट अलग नहीं है। अब जो भी डस्ट पार्टिकल है वो सक्शन से पूरा बैग के नीचे कलेक्ट होगा, बकेट में जितना बैग को लगने उतना बैग को लगेगा, बाकी पूरा बकेट में कलेक्ट हो जाएगा। और ये जो बैग है बाहर जटकने से पूरा क्लीन होता है, वॉशेबल धो भी सकती है, बैग आगे तक के बदलने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे कलेक्ट डस्ट कलेक्ट होने का रीजन क्या है कि जब अपन मशीन स्टार्ट करते हैं ना तो सक्शन और ब्लोअर एट ए टाइम दोनों में चलो रहते हैं, यानी खींचने का और उड़ाने का, यहाँ से मशीन एयर लेता है, यहाँ से बाहर फेंकता है। इसमें का जो डस्ट पार्टिकल है घर में नहीं उड़ने को, इसलिए फिल्ट्रेशन है, यानी पहले बैग को ट्रैप होगा नीचे से, बैग से अगर फाइन डस्ट पार्टिकल बाहर निकलता है यहाँ से तो फिल्टर को ट्रैप होगा, यानी ब्लोअर में से जो भी आएगा 100% प्योर आएगा, जिनको एलर्जी उनको तकलीफ नहीं होंगी और घर में भी डस्ट शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन जब अपन को पानी खींचना है बकेट में, जैसे वाटर टैंक क्लीन करना है, पोछा करना है, बाथरूम यूज करना है, वो टाइम भी एक बैग और एक फिल्टर दो चीजें सिर्फ निकाल के रखना है इस प्रकार। इसको फेट गया है, ओपन कर दो, ये पानी के लिए रेडी हो गए। अब कितना भी पानी खींचो मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब अपन को ड्राई डस्ट कलेक्ट करना है वो टाइम पे ये फिल्टर और बैग ये दो चीजें लगाना जरूरी है। ये बैग भी इजी लॉक हो जाए इस प्रकार, चारों तरफ से बराबर फिट कर दो, और सक्शन और ब्लोअर आमने सामने रख दो, इसको मैच कर दो यहाँ पे और ऊपर से पुश कर दो, ये लॉक हो गया अभी बराबर। और मेन लोग बोलते हैं जो मशीन है यूरेका फोर्स का है, ये आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बिग बाजार मिल्टी कैंटीन कहीं भी नहीं, ओनली कंपनी टू कस्टमर, ए टू टू से कंपनी का डायरेक्ट मार्केटिंग है, कोई डीलर नहीं डिस्ट्रीब्यूटर कुछ नहीं है, और पेमेंट भी अपन डायरेक्ट यहाँ पे कंपनी को करते हैं।
कभी उधर से ऑन करने के बाद यहाँ पे करंट आ गया, यानी मशीन तक के करंट पहुंच गया। अभी अब मशीन स्टार्ट कर दो, ऑन कर दो, मशीन चल हो जाए। लो पावर है, एक वेरिएबल स्पीड है, अपने हिसाब से चलता है, बढ़ते बढ़ते जाए। बटन पुश करके खींच लो, ओपन हो जाएंगे। या पे डेसिंग चोको गाड़ी को धोना है, कलरिंग करना है, ड्रायर सेक मशीन सब यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर लगाए तो खींचने का काम कर सकते हैं। अब इसको अलग अलग ऐसे सर्च देंगे, जैसे अपन ऊपर की जाली निकालना है, उसके लिए एक्सटेंशन रॉड हेड के लिए एक रॉड की जरूरत है, एक रॉड लगा दो। दो रॉड की अगर जरूरत है, दो रॉड लगा दो। इसके अगर जाली निकालना है तो उसके लिए कॉर्नर वाला अटैचमेंट है। इससे अपन अपने घर के जाले स्लाइडिंग विंडोज में क्या डस्ट है, सोफे का कॉर्नर है, यानी यहाँ भी अपना हाथ नहीं पूछ सकता ना, सब इससे अपन क्लीनिंग कर सकते। जाले का निकलना है, इसको यहाँ पे अटैच कर दो और जहाँ भी जाले रहते वहाँ पे सिर्फ घुमा दो। अपन यहाँ से क्या करते सर, सिर्फ लगा देते आगे चारों को, आगे दीवार को, दीवार को भी डाग लग जाते बराबर, और मकड़ी वगैरह नीचे गिर जाती, इसलिए बार बार जाले लगती। मशीन से क्या होता है, जो भी वहाँ पे स्पाइडर अंडे जो भी होंगे सर, डायरेक्ट कलेक्ट करके अपन घर के बाहर एंट्री कर सकते। सिर्फ अपन को क्या करना है, मशीन स्टार्ट करके इस पर अगर घुमाना है, जहाँ भी जाले रहते जो भी चिपका डस्ट है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, स्लाइडिंग पूरा जाम हो जाता है फिर, और ये क्लीनिंग अपन हाथ से नहीं कर सकते। इसको बार बार करने की जरूरत नहीं, चिपका हुआ करके अपन पहली बार इसको यूज कर लें। अब दिखाने के लिए मैं छोटा सा डस्टबिन यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें पहले का डस्ट है, यहाँ का भी डस्ट है, इसका यहाँ का कितना निकला वो दिखेगा नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये डस्टबिन तैयार कर रहा हूँ। दिखाने के लिए मैंने 20% डस्ट निकाला है, जो अपन हाथ से अभी कभी अपन निकाल नहीं सकते।
इसमें 20% है। अपन को इसमें डायरेक्टली कलेक्ट करना है, यानी जो 100% पूरा क्लीन करेंगे, यानी ये हो गया सिर्फ जार रेस स्लाइडिंग वगैरह उसके लिए। फ्लोर ब्रश जैसे अपन सादा झाड़ू लेते हैं, फ्लोर का क्लीनिंग कैसे करते हैं, सादा झाड़ू लेते हैं, सारे झाड़ू से क्या होता है जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो कलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो फाइन डस्ट है ना वो फैन सोफा गद्दा फर्नीचर कर्टन वगैरह शिफ्ट कर देते हैं, और जो भी बचा हुआ डस्ट है इसके लिए पोछा मारते हैं। अब पोछे से क्या होता है, अपने घर में जो भी भाई होंगे पोछा करने के लिए सिर्फ एक ही बकेट पानी रहता है, वही कपड़ा बकेट में वही फ्लोर को सिर्फ अपन पेस्ट कर देते हैं, उसका जैसे इसका शाइनिंग डाइवर्ट कम होता है, इसमें ब्लैकनेस आता है साइड में। अब ये ब्रश क्या करेगा, जिसको जो भी चिपका हुआ डस्ट है जिसके लिए अपन पोछे मारते हैं ये पूरा रबिंग करके लूज करके अंदर स्पॉट कलेक्ट करेंगे, और डे बाय डे करने से आपको पूरा टोटल शाइनिंग भी दिखाई देगा। देखो आपको मैं थोड़ा क्लीन करके बताता हूँ, अभी वो भी रूमाल में बताता, यानी अपन को रिजल्ट मालूम पड़ेगा इसको कितना सारा डस्ट अपन पेस्ट कर दे। फ्लोर का ये मशीन ने क्या किया, क्योंकि अपने छोटा डस्टबिन तैयार किया, इतना डस्ट आने के बाद मशीन ने डस्ट इतना बंद कर दिया, क्योंकि छोटा डस्टबिन है अपन को इसमें डायरेक्टली 4 या 5 किलो तक के कलेक्ट करें, पूरा 100% पूरा क्लीन करेंगे। ये तो मैंने रूमाल में बताया, देखो अभी डायरेक्टली करके बताता आपको फर्क देखेंगे इसमें। इससे अपन कार का पूरा क्लीनिंग, कार के अंदर का डस्ट है, मेटल के ऊपर की मट्टी रेती वगैरह, कार के सीलिंग का डस्ट है, घर का फर्नीचर है, फैन है, सब इससे कर सकते हैं। इसको अगर अटैच करना है इसको निकल दो रॉड को, इसको यहाँ पे अटैच कर दो, और जहाँ भी डस्ट है जैसे कार के अंदर डस्ट है मैटिंग के ऊपर, मशीन स्टार्ट करके मैटिंग के अंदर घुमा दो, मट्टी रेती वगैरह जो भी है डायरेक्ट इसमें कलेक्ट हो जाएंगे, 10 मिनट के अंदर पूरा गाड़ी क्लीन हो जाएगा। इसको पलटी कर दो, कार की सीलिंग का डस्ट है, ये ब्रश को निकालो, इसको पलटी करो, पूरा प्लेन कर दो, इसको इधर के साइड से फिट कर दो, तो कार की सीट्स है, घर का सोफा है, गद्दे का डस्ट है, जो क्लीनिंग अपन लेबर लगा के भी नहीं कर सकते ना वो क्लीनिंग सब इससे कर सकते हैं। देखो आपको मैं अभी सोफा कर दूंगा, वो भी रूमर में बताता है, यानी अपन को मालूम पड़ेगा कि इसमें कितना डस्ट है। सिर्फ 20% डस्ट है, जो डस्ट के ऊपर अपना सबसे ज्यादा समय अपन बिताते, सिर्फ 20% अपन को रूमाल नहीं लगाना है, डायरेक्टली डिफ्यूजिंग करना है, यानी पूरा डिफ्यूजिंग करेंगे। देखो आपको कैसे भी मैंने ये रूमाल नहीं बताया, देखो आपको पूरा 100% फिलिंग करके बताता हूँ। देखो इधर का किया अपन ने, यानी विदाउट रूमाल अगर किया तो 100% वो पूरा क्लीनिंग करेंगे, और हैप्पी भी करने की जरूरत नहीं, मीडियम भी किया तो
और इसमें अगर डस्टबिन देखा जाए ना मैडम, तो 1 ग्राम में 19,000 डस्टबिन रहते हैं जो अपने आपको से देख नहीं सकते अपन। और वो डस्टबिन क्या होता है, डाइवर्ट इसके जो पॉइंट जो है ना वो खा लेते, इससे सोफा खराब होता है अपना, इसको अपन धूप में रख नहीं सकते, क्योंकि उनको अगर मारना मारना है तो धूप में रखना जरूरी है, वो प्रोसेस अपन कर नहीं सकते। ये हो गया उसके लिए, अगर कर्टन क्लीन करना है उसके लिए ब्रश है, क्योंकि कॉस्टली कर्टन रहते कपड़े, ये बार बार धोने से शाइनिंग चला जाता है, सिर्फ इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दो और कर्टन के ऊपर घुमा सॉफ्ट वाइपर है, कपड़ा कितना भी खींच लें तो खराब नहीं होंगे, क्योंकि एकदम सॉफ्ट है ये, कपड़े को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया उसके लिए, गलीचे अगर क्लीन करने उसके लिए ब्लैंकेट भी धोने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे अटैच कर दो और ब्लैंकेट के ऊपर घुमा दो, क्योंकि ब्लैंकेट धोने से क्या होता है, 20% डस्ट अपन निकल देते, 80% उसको पेस्ट हो जाता है, क्योंकि वेटेड रहता है, और जब अपन बाहर सुखाने के लिए डालते ग्रिल के ऊपर दीवार के ऊपर, जो निकला हुआ 20% है उसमें ऐड हो जाता है बाहर में, हो गया जैसे थे। सिर्फ अब उनको क्या करना है, इसको अटैच करना है, ब्लैंकेट के ऊपर ऐसे घुमाना है, यानी पूरा ये हो गया उसके लिए। ये एकदम छोटा ब्रश है, एकदम छोटी छोटी चीज जो है ना, कीबोर्ड मोबाइल लैपटॉप वगैरह, वो अपन इससे कर सकते। ये हो गया सर खींचने के, अगर अपन को डस्ट उड़ाना है जो कलेक्ट नहीं कर सकते, ये यहाँ पे निकल दो, अभी पहले मैं ये कलेक्ट कर लेता, यानी उड़ेगा नहीं वो। अगर अपन को डस्ट उड़ाना है, जैसे ग्रिल के ऊपर को उड़ाना है, गाड़ी को धोना है, ये निकल दो, यहाँ पे अटैच कर दो, और प्रेशर के लिए ये कॉर्नर वाला अटैच कर दो, ये वाला, तो प्रेशर से अपन इससे डस्ट उड़ा भी सकते, जैसे ग्रिल के ऊपर का वगैरह, गाड़ी के ऊपर का वगैरह नहीं कर सकते, पूरा अपन इंस्टेंट पूरा क्लीन कर सकते, जो भी डस्ट है उसको उड़ा दो। इसमें आपको जो भी लिक्विड डालना है, कलर स्प्रे पेंट करना है, गाड़ी को शैम्पू स्प्रे करना है, नेक धोना है, कौन सा भी स्प्रे, पेड़ पौधों को स्प्रे करना है, कौन सा भी स्प्रे इससे कर सकते हैं, जो भी लिक्विड डालना है इसमें डाल दो, लेकिन अगर ठीक से नहीं आते तो एडजस्टमेंट अपन यहाँ पे कर सकते हैं इस प्रकार, और इसको यहाँ पे अटैच कर दो। अब मशीन स्टार्ट करने के बाद सिर्फ एयर आएगा यहाँ से, लिक्विड नहीं आएगा, जब तक अपन यहाँ पे उंगली नहीं रखेंगे ना तब तक स्प्रे चालू नहीं होगा, उंगली रख दो स्प्रे चालू हो जाएगा, उंगली निकाल दो स्प्रे बंद हो जाएगा, यानी मशीन चालू बंद करने की जरूरत नहीं, एक बार मशीन स्टार्ट कर दो और ऐसे स्प्रे ऑपरेट कर सकते हैं अपन। देखो अभी मैं आपको क्लीन करके बता दूँ, मशीन स्टार्ट कर दो, निकाल दो जार को, निकाल दो ये कॉर्नर वाला अटैच कर दो, और फटाक से अपन इसको सुखा भी सकते हैं, इसको पानी वगैरह कुछ भी नहीं रहेंगे, पूरा ड्राई करेंगे हॉट एयर, क्योंकि इसमें से हॉट एयर भी आता है। ऊपर किस में नीचे किस में, और इसको अपन हाथ से क्लीन नहीं कर सकते, वो भी इससे अपन पूरा क्लीन कर सकते। ये हो गया स्प्रे के लिए, ये जो ब्रश है ना अपन ने कीबोर्ड के लिए वगैरह यूज़ किया, लेकिन अगर ब्लोअर साइड में अगर पाइप है तो इसका सामने का ब्रश निकाल दो, तो बर्थडे के दिन बलून्स वगैरह ब्लो करना है, जो बच्चों के खिलौने रहते हैं हवे के, सोफा चेयर, नाने का टब वगैरह घर के घर अपने इससे खुला सकते, बाहर नहीं लेके जाने की कोई जरूरत नहीं, इसको लगा दो तो मशीन हाई पावर पर स्टार्ट कर दो, पूरा अपन घर के घर खुला सकते इसको, अगर छोटा बलून्स है पावर कम कर दो और यहाँ से ओपन कर दो, यानी इधर का स्पीड कम होगा तो वो भी अपन इससे कर सकते हैं।
ये ब्रश लगाने के बाद कीबोर्ड वगैरह मोबाइल वगैरह छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीज लेकर वो भी अपने इससे कर सकते हैं। ये हो गया उसके, लेकिन गाड़ी को अगर धोना है उसके लिए कार वाश एडाप्टर है, इसको यहाँ पे अटैच कर दो, प्रेशर के लिए पाउडर वाला सामने लगा दो और नल का पाइप यहाँ पे लगा दो, अपने घर का जो गार्डन का पाइप है ना आधा इंच वाला यहाँ पे लगा दो, यानी पानी का प्रेशर हवा का प्रेशर दोनों प्रेशर से अपन गाड़ी में धो सकते हैं। गाड़ी धोने के बाद इसको निकाल दो, पाइप को निकाल दो, हॉट एयर से गाड़ी सुखा भी सकती है, कपड़ा भी मारने की जरूरत है, यानी इंस्टेंट पूरा ड्राई हो जाएगा। यह हो गया उसके लिए, एक ब्रश है, ये तीनों इसके लिए काम आएगा, जैसे रूम फ्रेशनर करके यूज करना है, बेसिंग चोको वगैरह ड्रायर करके यूज करना है, वो ओपन कर सकते हैं। वैसे अपने घर में कई अगर फंक्शन है तो हर जगह अपन रूम फ्रेशनर मार देते भर दो तो क्या होता है बहुत सारा लगता है, वो कॉटन पे मार दो, जो भी पॉलिथिन होता है मारना है वो कॉटन इसमें डाल दो, सेट का जो कॉटन है ना इसमें डाल दो और इसको लॉक कर दो, ऐसे घुमा दो, यानी पूरे घर में फ्रेशनर जाएंगे, कभी कभी आपने यहाँ का बेसिंग चोको बताया ना इसको निकाल दो, निकाल के बाहर रख दो, ऊपर रख दो और मशीन स्टार्ट कर दो, प्रेशर से जो भी लट हुआ है ना बेसिंग और उससे पूरा नाली में निकल जाएगा, प्रेशर से पूरा क्लीन हो जाएगा, कितना भी चोको कर दो कुछ भी उसमें रहेगा नहीं, वो भी अपन इससे कर सकते हैं, लेकिन वो ग्लोव से करना है, अगर सक्शन से गया तो गंदा अंदर आएगा बकेट में, अब उनको बाहर ढकलना है तो ब्लोर यूज करना है उसके लिए, तो वो भी इससे फिर कर सकते हैं। ये हो गया पूरा ड्राई का अभी, लेकिन अपन को अगर पानी खींचना है जैसे पोछा करना है, वाटर टैंक क्लीन करना है, वो टैंक पे अपन को इसमें की जो बैग है ना वो बैग और फिल्टर दो चीजें निकाल के रखना है, देखिए ओपन कर दो, इसको ऊपर उठा बाहर निकल था, इसका फिल्टर निकल दो, इसको थ्रेड है इजी निकलेगा, ये बाहर निकल के रख दो, ये देखो ना ये डस्ट है जो अपन ने अभी कलेक्ट किया, पूरा बैग अपना क्लीन था, जस्ट अपन ने क्या किया स्लाइडिंग किया और इतना सोखा किया, बहुत सारा डस्ट है, अभी बाहर झटकने से पूरा क्लीन हो जाएगा और धोने धो भी अपन इसको धो सकते हैं, वॉशेबल है और बदलने की जरूरत नहीं आपकी, देखो इसको निकाल के रख दो साइड में और ये रिंग लगा दो फिटिंग के लिए, अगर अपन को वाटर टैंक क्लीन कर रहे हैं तो ये रिंग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ घर में यूज करते वक्त फिटिंग के लिए, वैसा बैग लगा देना अपन उसी समय इसको लगा दो, और इसको सेम उसी प्रकार आमने सामने इसको अटैच कर दो, ये लॉक हो जाए, ये होगा अभी लॉक, और हाइट के लिए एक्सटेंशन रॉड, अगर अपन को पोछा करना है पोछे के लिए स्पेशल वाइपर वाला ब्रश है, जिस प्रकार झाड़ू का ब्रश है ना उसी प्रकार ये वाइपर वाला ब्रश है, इसको वाइपर लगा ये बाहर भी निकलता है, ये बाहर निकलने के बाद अपन कारपेट के ऊपर ब्लैंकेट के ऊपर का भी पानी कलेक्ट कर सकते हैं, इससे यानी मट्टी वगैरह पानी वगैरह पूरा कलेक्ट करेगा, ये ड्राई करने का भी काम कर सकते हैं, अगर पोछा करना है इसको लगा दो इस प्रकार इजी लगता है, और इसको यहाँ पे अटैच कर दो, अब पोछे से क्या होता है मैडम वही कपड़ा पकेट फ्रेश कर देते बराबर, अपन को क्या करना है अभी जो फ्रेश पानी है ना वो फ्लोर पे डालना है, और जब गंदा पानी डालेगा इसमें कलेक्ट भी हो जाएगा और ड्राई भी हो जाएगा, यानी खाने वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, फ्रेश पानी कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी पानी डाल दो स्टेप बाय स्टेप एक साइड में इस प्रकार, और इससे थोड़ा लूज कर दो जो भी चिपकावट रखते हैं मट्टी है दाग है पूरी लूज हो जाएंगे, और मशीन स्टार्ट कर दो, स्टार्ट होने के बाद फिर इसको आगे पीछे घुमा दो, कारपेट के ऊपर का पानी खींचना है इसको निकाल लो, और ये वाइपर वाला ब्रश निकाल के ब्लैंकेट के ऊपर या कारपेट के ऊपर ऐसे घुमा दो, ये मट्टी पानी वगैरह पूरा इसमें कलेक्ट करेंगे, यानी कुछ भी नहीं, वो भी अपन इससे कर सकते,
लेकिन अपन को अगर वाटर टैंक क्लीन करना है तो वाटर टैंक के लिए अलग ब्रश है। जैसे अपन अगर वाटर टैंक अगर अपन को क्लीन करना है तो टैंक में कैसे उतरना पड़ता, उतरने की जरूरत नहीं है, इसको ये ब्रश इसको अटैच कर दो। अगर टैंक की हेड ज्यादा है एक रॉड एक्स्ट्रा भी है, रॉड भी अपन लगा सकते हैं, और टैंक में जो भी है काई मट्टी वगैरह क्षार वगैरह इससे लूज कर दो ब्रश के साथ में। साइड की लेयर अगर घासना है टंकी की, साइड की लेयर भी अपन इससे क्लीन कर सकते हैं। मूवेबल है ब्रश, इसको स्ट्रेट करना है स्ट्रेट भी कर सकते हैं, यानी मट्टी वगैरह क्षार वगैरह लूज होने के बाद मस्त स्टार्ट कर दो, ये पूरा मट्टी पानी साथ में पूरा पकड़ में कलेक्ट करेगा, इससे घुमाते पूरा क्लीन करेगा। पानी रहते बकेट अगर भर गई ना पानी से तो मशीन पानी खींचना बंद कर देगी, मशीन चलो रहेगी लेकिन पानी खींचना बंद कर देगी, पानी भरपूर भी नहीं होगा और पानी खींचे भी अगर सब लेना बकेट भर गई, फिर एम टी करके अपन कितना भी पानी से एम टी करके दोबारा कलेक्ट कर सकते, वो अपन इससे कर सकते। यानी ये जो मशीन है आप कैसा भी इसको करो, कांच किले पत्थर कुछ भी कलेक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रफ एंड टफ मशीन है और जीरो मेंटेनेंस है, इसको एक रुपए भी आखिर तक के लगाने की जरूरत नहीं है, ऑयलिंग नहीं ग्रीसिंग नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी यूज करते वक्त फिल्टर और बैग निकल दो, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके। यानी घर का सारा काम बर्तन और खाना छोड़ के सब क्लीनिंग अपना वैक्यूम क्लीनर करेगा मैडम। और यूरो क्लीन है ये मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, यूरो का उसका ब्रांड है, इसकी सर्विस भी है सब, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है सर्विस सेंटर है सब, और मल्टीनेशनल कंपनी यूरो का इसको स्टैंडिंग में भी रख सकते हैं, ऐसे हम ऐसे झाड़ू का ब्रश लगा के इसको वही सब अरे झाड़ू का ब्रश निकालो और दोबारा इसको लगा के क्लीन कर दो। और तीसरा रॉड जो ये हो गया पानी है जो गंदा पानी पूरा अपन इसमें कलेक्ट करते हैं और पूरा बाहर एम्प्टी कर सकते हैं, फ्रेश पानी डालना है और गंदा पानी इसमें पूरा कलेक्ट करना है। सो गाइज आपने देख लिया वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू एंड डेमो, सो इसकी जो प्राइस है वो है 15,000 रुपीज, बट हमने ऑफलाइन लिया था इसी वजह से, अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो कुछ डिस्काउंट आपको इस पे मिल जाएगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, अगर आपको इसे ऑनलाइन परचेस करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आपको वहां से परचेस कर सकते हो। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा, और अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस चैनल पर आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज एंड ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।